हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज क्षमा। कैसे हो आप सारे लोग? डू लेट इन द कमेंट सेक्शन। एंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ टोफू फ्राइड राइस। जितना अच्छा नाम है उतना ही टेस्टी भी है, ट्रस्ट मी। बहुत इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है। इफ़ यू आर नॉट इन मूड ऑफ मेकिंग एनी अथेंटिक और देसी खाना रोज का, देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई इन योर लंच एंड डिनर। लेट्स बिगिन विद द रेसिपी। सो इसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले मैं बर्तन की बात कर लूँ तो बहुत ही हल्का बर्तन लिया है, क्योंकि फ्राइड राइस या चाइनीज खाना जब आप बनाते हैं मेक श्योर कि बर्तन हल्का हो। हीट हमें हाई रखनी है। गार्लिक, जिंजर, चिली, अनियन, कैरेट एंड यहां पर लिया है बॉक्स ऑफ टोफू। ये ऑर्गेनिक टोफू है, फ्राइड ऑलरेडी आया हुआ है। ऑयल मैंने डाल दिया था गर्म होने के लिए। इसमें जैसे ही हीट आ जाएगा, मेक श्योर सारा काम आपको तेज आंच पर करना है, क्योंकि हमें फ्राइड राइस बनाना है। इट डजंट नीड लॉट ऑफ कुकिंग, बट यस, स्मोकी फ्लेवर चाहिए। सो जिंजर, गार्लिक, चिली हमने ट्रांसफर कर दिया है कढ़ाई में, एंड कुछ 10 से 15 सेकंड के लिए हम उसको सौते करेंगे। देन मैंने अनियन को ट्रांसफ़र कर दिया। अगेन अनियन को भी हमें कुछ 30 से 40 सेकंड तक ही सौते करना है, ज़्यादा नहीं, पकाना नहीं है हमें बिल्कुल भी। उसके साथ में हमने कैरेट भी डाल दिया है। कैरेट को मैंने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया था। बहुत ही अच्छी बात है इस फ्राइड राइस की, या कोई भी फ्राइड राइस जब आप बना रहे हो, इट डजंट नीड लॉट ऑफ कुकिंग, अगेन आई वुड से, ठीक है। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही इंटरेस्टिंग सा खाना रेडी हो जाता है। टोफू मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। ये 200 ग्राम्स का टोफू का पैकेट है। आप जो कच्चा टोफू होता है वो ला करके फ्राई करके भी डाल सकते हैं, मेक श्योर कि फ्राई किया हो। अदरवाइज टोफू जो है बहुत सॉफ्ट होता है, पनीर के जैसे नहीं होता है, तो क्या होगा कि घुल जाएगा, ठीक है। सो उसको फ्राई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम इसको हाई ही रखेंगे और उस पर अच्छे तरीके से टॉस कर लेंगे, जिससे कि अनियन, टोफू सब में टेस्ट अच्छे से स्प्रेड हो जाए। उसके बाद मैं इसकी जो फ्लेम है उसको धीमी कर दी हूँ, बिकॉज नाउ वी विल ऐड सम सॉस एंड स्पाइस। तो मैंने यहाँ पर वाइट पेपर डाला है, यू कैन यूज़ रेड पेपर। खटाई के लिए जो है, खटाई के लिए मैंने यहाँ पर लेमन यूज़ किया है, आप विनेगर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सोया सॉस डालना है, तो मैंने लगभग 1.5 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस डाला है। अगर आप लाइट ले रहे हैं तो आराम से आप 2.5 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा टोमेटो केचप डाल लिया है यहाँ पर, इसको आप कम एंड ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। एंड फिर डाल रही हूँ हल्की सी शुगर, थोड़ा सा खट्टा मीठा सा टेस्ट जो आता है, टैंगी फ्लेवर, वो बहुत अच्छा लगता है फ्राइड राइस में। एक बारी मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, एंड फ्लेम धीमी इसलिए रखी है क्योंकि हमें किसी भी मसाले को जलाना नहीं है। नेक्स्ट मैं इसमें सेसमे सीड्स डाल रही हूँ, आप रोस्ट करके भी डाल सकते हो, एंड इट इज़ टोटली ऑप्शनल। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप हटा सकते हो, बट ठंड का टाइम है सो आई प्रेफर। नेक्स्ट इसमें राइस ऐड कर रही हूँ मैं। अब फ्लेम को हम तेज कर देंगे, एंड राइस मैं 2-3 घंटे पहले बना के रख दिए थे, कम्प्लीटली ठंडे हैं। आप देख सकते हो एक भी सिंगल दाना इसका स्टिक नहीं कर रहा है। इफ़ दिस इज़ द कंसिस्टेंसी ऑफ योर राइस, आई बेट यू कभी भी आपका जो राइस है वो टूटेगा नहीं। फ्राइड राइस या आप नॉर्मल पुलाव बना रहे हो बहुत अच्छे से बनेगा। इलास्टिसिटी के कारण जो राइस है ठंडा होने पे वो और स्ट्रांग हो जाता है और बिल्कुल ब्रेक नहीं करता है, ठीक है। एंड नाउ मैंने इसमें हल्का सा सॉल्ट ऐड कर दिया है टू टेस्ट, एंड हाई फ्लेम पर अब हम इसको टॉस कर लेंगे अच्छे तरीके से। बहुत ज़्यादा गोल 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 सब्जी के तरीके से मिक्स ना करें, अदरवाइज आप बोलोगे, आप बोल रहे थे टूटा नहीं है क्षमा, टूट गया राइस। थोड़ा तो आपको इज्जत देना पड़ेगा राइस को, नहीं। फ्लेम पर अच्छे तरीके से आप इसको, एंड हल्का बर्तन होता है तो क्या होता है, कुकिंग कम लगेगी, दोबारा बोल रही हूँ मैं। एंड थोड़ा सा जो स्मोकी फ्लेवर चाहिए होता है, थोड़ा जला हुआ सा भीना भीना सा टेस्ट, वो अच्छे से आपके राइस में आएगा। अगर आप ये राइस, ट्रस्ट में, अगर आप हैवी बर्तन में बनाओगे तो आपको टेस्ट नहीं आएगा उतना अच्छा, सेम ही प्रोसेस से बनाओगे। बट अगर आप उसको हल्के बर्तन में बना रहे हो तो आपको पता चलेगा, जो रेस्टोरेंट या जो स्ट्रीट फूड वाला जो फ्राइड राइस होता है, बिल्कुल वही आपको फील देगा। आप घर पर ईजिली बना सकते हो स्ट्रीट फूड, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। मैटर करता है आप किस तरीके से कुकिंग कर रहे हो, किस बर्तन में कर रहे हो। सो डू ट्राई इट आउट, एंड कुछ 1 से 1.5 मिनट तक इस राइस को आप तेज आंच पर जो मसाले हैं उसमें मिक्स करें, ठीक है, जिससे कि अच्छे से फ्लेवर आ जाए। देन ट्रांसफ़र इट इन अ बाउल, उसमें रखोगे तो लोहे की कढ़ाई है तो आपको जो राइस है और काला पड़ जाएगा। एंड दैट्स इट गाइस, ये था मेरा टोफू फ्राइड राइस। यू कैन डेफिनेटली रिप्लेस टोफू विद एग और चिकन या किसी के भी साथ में, या फिर कोई भी सब्जी आप इसमें बढ़ा सकते हो, स्प्रिंग अनियन डाल सकते हो जो आपको अच्छा लगे, बट यस आई एडेड टोफू बिकॉज आई लव इट। सो दैट्स इट, आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी।